छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, तो ऐसे में आइए जानते हैं कुछ हाइलाइट्स। बीजेपी ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात कही है। वहीं बीजेपी ने 31 रुपए में धान खरीदने का वादा किया, तो कांग्रेस ने 3200 रुपए में। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति बोरा बीजेपी 5500 रुपए देने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस ने प्रति बोरा 6000 रुपए, तो सालाना 4000 बोनस देने का वादा किया है। 500 रुपए में बीजेपी ने गैस सिलेंडर देने की बात कही, तो गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी देने का वादा कांग्रेस ने किया। 18 लाख गरीब परिवारों को बीजेपी आवास देने की बात कर रही है। वहीं 17.5 लाख गरीब परिवारों को कांग्रेस ने आवास देने की बात कही। भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए दोनों ही पार्टियों ने देने का वादा किया है। वहीं गरीब छात्रों को बीजेपी ने 50% छात्रवृत्ति का, तो सभी सरकारों को स्कूल में केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा का वादा कांग्रेस ने किया है। बीजेपी ने आयुष्मान भारत से 10 लाख तक का इलाज मुफ्त देने का वादा किया, तो वहीं 10 लाख तक मुफ्त इलाज और दुर्घटना का पूरा इलाज मुफ्त करने का वादा कांग्रेस ने किया। बीजेपी ने महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए का वादा किया, तो वहीं महिला स्व सहायता समूह का लोन माफ करने की बात कांग्रेस ने कही है। जुड़े रहे बंसल न्यूज़ के साथ।